व्हाट्स अप पीपल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड वुड बी एट पीक ऑफ योर हेल्थ। और फाइनली आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि आज मेरा ऑफ डे है और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं बस मतलब बेड से पूरी भी निकली हुई नहीं हूँ। और मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। ऑफ है वैसे तो अभी तो कैसे ऐसा कोई प्लान्स है नहीं, पर सिंस ऑफ है तो हम आज का ऑफ कैसे स्पेंड करने वाले हैं, लेट्स सी। शक्ल ठीक करते हैं व्लॉग में आने के लायक। सो मैं जब अपने दिन में फ्रेश होती हूँ, यू प्लीज सेंड मी द व्लॉग। गाइस रिसेंटली मैंने अपने दांतों की ट्रीटमेंट कराई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ब्रश पे अच्छा खासा टाइम दूँ। रोज ब्रश ट्वाइस अ डे, नो मतलब वो तो बहुत नॉर्मल है, लोग करते हैं, मैं नहीं करती। तो फिलहाल मैंने अभी मेरा रूटीन शुरू हुआ है पिछले एक हफ्ते से स्ट्रिक्टली टू फॉलो दिस राइट। तो ब्लश, टाइम फॉर ब्लश कम्स अबाउट माई स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले आई डोंट हैव अ वेरी फ्लॉलेस स्किन राइट, तो मुझे वैसे बेसिकली बताना नहीं बनता सिंस यू आर इन टू माई ब्लॉग। तो आई विल टेल यू कि दो दिन में एक बार आई गो विद एवरी यूथ नेचुरल राइट, और उसके बाद स्क्रब करने के बाद वीएलसीसी आयुर्वेदा चंदन एंड केसर फेस वॉश वो आई यूज रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर के लिए। तो सिंस आज टाइम है स्क्रब करने का, तो आई एम डूइंग इट टुडे राइट। ओके गाइस, सो डन विद सस्ता सा स्किन केयर जो सुबह सुबह कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग के लिए कर लिया, शायद उतना भी ना करती फेस वॉश करके अभी तक आ चुकी होती। सो अभी ये हो गया, नेक्स्ट वील मूव ऑन, देखेंगे कि बाहर का वातावरण कैसा है। एक तो ये घर बन रहा बगल में, पूरे टाइम आवाज़ आ रही है ये कंस्ट्रक्शन की। फ़िलहाल मैं NCR में हूँ और यहाँ का मौसम इज़ लाइक सुबह हल्की हल्की सी ठंड होती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं घुमा लेती हूँ कैमरा, नहीं तो फिर आप बोल धूप यू कैन सी एंड माई फेस सनबर्न कराने के लिए। और बस ऐसे ही कुछ है, अच्छा मौसम है मतलब इट्स नाइस, क्योंकि अब लेट उठे हैं आई गेस 10:30 हो रहे थे जब मैं उठी। तो फिर नाश्ता तो खत्म है, फिर भी हम देखते हैं हम आज क्या खा सकते हैं। एन एम्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम जैसे लोग तो अपने हेल्थ का ख्याल रख नहीं पाते। तो पता नहीं, डेली रूटीन में शामिल करने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर जब ऑफिस के लिए तैयार होना होता है ना तो कुछ याद नहीं आता, फिर तो बस भागो उठो और भागो वाला। तो मुझे लगता है मैं लेके आई थी, पर आई गेस इससे पहले मैं एक हफ्ते बीमार भी थी, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने 3 दिन से ऐसा कुछ खाया है। तो ये पड़ा प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में पानी पीना, क्योंकि हम अपने ये डेली रूटीन्स में भूल जाते हैं। हमें अच्छा खासा वाटर कंज्यूम करना चाहिए पर हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो मैं वैसे तो मैं मैगी बनाने वाली थी, मतलब प्लान था मैगी का, बट अभी ना मन सा नहीं है कुछ मैगी वैगी बनाने का, मेहनत से करने का। तो एप्पल से थोड़ा गाइस जो हम अभी चीज़ करने वाले हैं वो हम थोड़े से देखेंगे न्यूज़ अपडेट्स क्या चल रहा है दुनियादारी में। वैसे तो न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट चॉइस, लेकिन आई डोंट गो विद न्यूज़पेपर क्योंकि इतना ज़्यादा एक्चुअली यार डेली वैसा कुछ टाइम नहीं बन पाता है सच पूछो तो। तो वो आई डू इज़ कि आई गो थ्रू द ट्विटर और जो भी हेडलाइंस होते हैं अगला हमें वेबसाइट्स के, मैं उनसे जाती हूँ और उनसे पढ़ती हूँ। क्या टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट तो बहुत ईजी सा किया था ना, लाइट सा बिल्कुल, भूख भी लग रही है। तो मैंने ऑर्डर किया है गुप्ता जी मलाई चाप वाले के मलाई चाप, ऑर्डर आ चुका है। चुटकी ओर से नीचे उतरना इज अ ग्रेट दीदी, ऑलमोस्ट इट्स बीन 2 और सोचो सुबह से अभी खाना पड़ेगा। हमारा जो है लंच वो दीपक भैया ने, दीपक भैया से हाय हाय बोलिए। ये हमारे पीजी के केयरटेकर हैं और प्रतिमा दीदी से हाय। तो हमारा लंच आ गया और दीपक भैया ने हमारा लंच लिया, और थैंक यू भैया आपने मेरा लंच ले लिया। पता है एक तो मेरे फ़ोन पे क्या है, अननोन नंबर से कॉल नहीं आते, तो जब भी ऐसे डिलीवरी करने कोई भी आता है अगर, तो फिर वो मुझे कॉल नहीं कर सकता। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी क्या कर रहा पता है, हाँ विनीत मिश्रा है बोलना, मैं बोला लड़के तो कोई नहीं है भाई सही से देख ले, मैं बोला बिनती तो नहीं है, बोला हाँ बिनती है कह रहा थी। वो एक स्पून दे दीजिए मुझे, स्पून देगा। तो
तो ये विनीत और विनती का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमेशा हो जाता है। फिर कह रहा विनती है, नहीं तो कह रहा विनीत मिश्रा। हाँ बोला विनीत मिश्रा तो बस एक ही बाल्टी है ना अभी कपड़े। मैं अभी आके ये मशीन में है, ये है ना। गाइस हमारा यस मेरी छुट्टी है आज, मेरा ऑफ है, मेरा खाना आ चुका है और हम चलते हैं। आज व्लॉग बन रहे हैं हमारे। डांस नहीं कर रही भैया। सो गाइस इट्स 2:30 और लंच हो गया। वैसे तो हल्की हल्की सी नींद से आ रही है, बट मैं सोची मैं थोड़ा अवॉइड करूँ सोना, क्योंकि कल मॉर्निंग शिफ्ट है। सोच रही हूँ दोपहर में सो लूँगी, फिर रात में नींद नहीं आएगी, सुबह उठ नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं ना एक बुक स्टार्ट करें। दिस बुक इज़ एक्चुअली आई लव यू कुलदीप राघव। स्पेशलिटी ये है कि कुलदीप राघव इज़ कुलदीप सर, एक्चुअली ही इज़ माई सीनियर। उनकी एक मैंने बुक और पढ़ी है, इश्क मुबारक, दैट इज़ नाइस एंड आई एम बीन विद दिस आई लव यू बुक। और मैंने वैसे शुरू किया है इस बुक को, बट बीच में मैं फिर घर चली गई थी तो फिर मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो मैं सोच रही हूँ अब मुझे स्टार्ट करनी चाहिए वापस ये, तो प्रेम ही संसार है। सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट 7 और मैं 2:30 मतलब कितने 2:30 आई गेस सोई थी, और फिर मैं नहीं सोई नहीं, मैं बुक पढ़ रही थी, फिर मैं उसके बाद सो गई, और फिर अभी मैं 7 बजे उठ रही हूँ, जो चीज़ मैं अवॉइड कर रही थी। और ये जो फ्रेम में लड़की है, शी इज़ आकांक्षा, शी इज़ माई रूममेट एंड माई वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। तो थिंक ये सब 7 बज रहे हैं। तो बेसिकली हमने प्लान किया था कि कभी वीकेंड पे हम चलेंगे हेयर कट के लिए, हम हल्के हल्के अपने बाल ट्रिम कराएंगे, राइट। अभी फिर उसके बाद आज ऑफ है, तो हम दोनों ने आज शैम्पू किया है, तो हमने सोचे कि हम चलते हैं हेयर कट के लिए। सो आकांक्षा रेडी टू गो? यो ये आकांक्षा, हाउ इज द जोश? So guys, we both are done with our hair cut, counting our hair like this. और अभी what's next आकांक्षा? दोस्त को कॉल कर रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। Yes, अब हमारा चाय पीने का ये समय हो रहा है, तो she is calling one more friend and we'll go on a tea date. Yeah. So guys, it's 8:50 और मैं बाहर गए थे और मैं अभी अपने भतीजे की तरफ लौट रही हूँ, रोशनी हो जाता है। और आज का दिन ऐसे ही देखो ना ख़त्म हो गया। अब वी विल टेक आवर डिनर फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, फिर हम अपने रूम में जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं शायद अब फ़ोन चलाऊँ या ब्लॉग एडिट करूँगी और पोस्ट कर दूँगी, दैट्स ऑल। सोच चुकी हूँ तो इतनी जल्दी तो नींद आनी नहीं है, तो बुक ही पढ़ूँगी और सुबह 6 बजे मॉर्निंग शिफ्ट। तो गाइज ऑलमोस्ट व्लॉग ही कम्प्लीट हो चुका था, मैं बस एडिट करने जा रही थी, लेकिन ऐसे रैंडम प्लान बना बिकॉज हमारी एक पीजी की फ्रेंड, शी इज़ लिविंग NCR टुडे, तो अभी हम लोग ये हमें लेके जा रही है राइड पे, तो वी आर गोना एंजॉय दैट। हम अभी तो गाइज अभी ना हम लोग जो है वो इस्कॉन वाला जो नोएडा का हाईवे है वहाँ से होते हुए हम लोग बेसिकली ममूरा में हैं अभी, और ठेका देसी चाय वाला ढाबा एंड कैफे यू कैन सी, और हम यहाँ पर अब आ चुके हैं और हम यहाँ पे अब चाय पियेंगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। तो बेसिकली शी इज लिविंग पार्टी से। हाय हाय, सो हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और हमें छोड़ के जाने में कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है नहीं नहीं अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मुझे इतनी ज़्यादा याद आएगी क्या करूँ। ये क्लिक करेगी आकांक्षा, मैं वीडियो बना रही हूँ, जल्दी आकांक्षा। So
सो गाइस इट्स 10:43 और हम तीनों अब अपने पीजी की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली तो अभी हमारा होता है यहाँ पे ब्लॉग एंड। होप यू गाइस एंजॉयड दिस ब्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।